भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता भी मत करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा और मंत्री कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में शिकार पर गए। शिकार के समय तलवार निकालते हुए राजा का अंगूठा कट गया। राजा परेशान हो गए। उसने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों जल्दी से जाओ और वैद्य जी को बुलाकर लाओ। देखो मेरा अंगूठा कट गया, कितना खून बह रहा है। इतने में पीछे से मंत्री आए और बोले कि इस चोट पर कपड़ा बांध लीजिए और आराम कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को मंत्री पर गुस्सा आ गया। वह मंत्री से बोले, मंत्री ये बात तुम कह रहे हो, मैं तो तुम्हें अपना हितेशी समझता था। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को ले जाकर कारागार में बंद कर दो, पूरी रात कोड़े से पीटना और सुबह फांसी पर चढ़ा देना। महाराजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने मंत्री को बंदी बना लिया और राजमहल के कारागार में ले जाकर बंद कर दिया। राजा कुछ सैनिकों को लेकर शिकार के लिए फिर से जंगल में निकल गए और फिर कुछ समय बाद जंगल में तूफान आया, जिससे राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया। भटकते भटकते राजा भीलों के बस्ती में पहुंच गए, जिसे वहां के लोग उन्हें उठाकर ले गए और उनकी देवी के सामने जाकर बिठा दिया। पुजारी उसकी बलि चढ़ाने वाला ही था कि एक भील बोला, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, ये तो अशुद्ध है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। और उन्होंने इस तरह राजा को छोड़ दिया और राजा की जान बच गई। फिर चूंकि अब राजा को समझ में आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसे याद आया कि आज सुबह मंत्री को फांसी लगने वाली है। वह भागा भागा आया। उसने देखा कि मंत्री फंदे को गले में पहनकर खड़ा है। राजा ने उसे नीचे उतरवाया और उसके पैर पकड़ लिए और फुट फुट कर रोने लगे। राजा ने अपनी सारी घटना मंत्री को सुनाई और माफी मांगने लगा। मंत्री बोला, माफी वाफी मांगने की जरूरत नहीं है महाराज, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा बोला, मंत्री क्या तुम सच में पागल हो? मेरी नासमझी की वजह से रात भर तुमने कोड़े खाए और फिर भी कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मंत्री बोले, महाराज यदि मैं यहाँ कोड़े नहीं खा रहा होता तो आपके साथ होता, और यदि मैं आपके साथ होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। अब राजा को समझ में आया कि सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ईश्वर जो भी कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, जब कोई चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती है तो हम चिंतित और उदास हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा करने से बचना चाहिए और सब कुछ ईश्वर की आज्ञा मानकर उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला होता है, वे सभी चीजें हमारी अच्छे के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें किसका मोह है? इस रणस्थली में युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले तुम्हारा इस तरह से शस्त्र त्याग देना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, हृदय की तुच्छा दुर्बलता को त्यागो, उठो और युद्ध करो। तुम उसका शोक करते हो जो शोक करने के योग्य भी नहीं है, और पंडितों जैसी बातें करते हो। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। हे अर्जुन, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। वर्तमान शरीर की उत्पत्ति से पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता, अतः नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा न तो मरता है और न ही जन्म लेता है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर
नए वस्त्र धारण करता है। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और न ही वायु इसे सुखा सकती है। परंतु फिर भी अगर तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला समझता है तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार का शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म लेना भी निश्चित है। हे अर्जुन, अपने धर्म से भागकर तुम भय मत कर, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु अगर तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा युगो युगों तक तुम्हारे अपकीर्ति की चर्चा होगी। सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। या तो तुम युद्ध में मारा जाएगा और स्वर्ग को प्राप्त होगा, या तो संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, उठ और युद्ध कर। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा और यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। ये संसार मेरी ही माया है, ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत असत भी मैं ही हूँ। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। वह ना तो इस लोक में धन, ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है और ना ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। इसलिए संदेह करने से बचे। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्मयोग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवद् गीता में कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए ये योग अधिक उपयुक्त है। कर्मयोग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्मफल का त्याग करता है और कर्मजनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं और इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। कर्म फल का त्याग कर धर्मनिरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो
निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतृप्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्मफल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकरस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता है कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वो अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सूकर कूकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारक बन जाता है।
और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूँ और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूँ। मनुष्य मेरी जिस भी रूप की पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है, उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनके उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी उसी कामना को पूर्ण करता हूँ, जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसीलिए सांसारिक मनुष्यों को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता है, और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वह जीवन में सुखी और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उसे अपमान और दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है, तो आज आप इसका जवाब सुन लीजिए। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार, जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी, तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। कान्हा ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था।
ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या, किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब मैं ही हूँ। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहें, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे, आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है,
वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के तीन तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और ना ही इस शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है, कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो, और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराए लोगों में नहीं थी, यह एक ही परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे,
गलत करे उसे सजा जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखे। जीवन में कभी वो मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता है। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता है, और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संगत में रहेगा तो वो भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहें। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। यदि कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता तो भगवान उसकी अधूरी साधना पूरी करने के लिए फिर से शुद्ध श्रीमंतों के घर में जन्म देते हैं। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। मैं ही इस संपूर्ण संसार का महाकारण हूँ। जैसे मोती सूत के धागे की माला में पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत, रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। मनुष्य मेरी इस माया में चिपके रहते हैं और भोग संग्रह की इच्छा छोड़ नहीं पाते। मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर मेरी इस माया में तल्लीन रहते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है, वे मेरी माया में नहीं फंसते। हे भरत, श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले मेरे चार प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। पहला है आर्थ भक्त, अर्थात दुख से निवृत्ति चाहने वाले भक्त। दूसरा है अर्थार्थी भक्त, अर्थात धन संपदा चाहने वाले भक्त। तीसरा है जिज्ञासु भक्त, अर्थात केवल मुझे जानने की इच्छा वाले भक्त। और चौथा है ज्ञानी भक्त, अर्थात मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त। आइए इसको थोड़ा समझ लें। आर्थ भक्त वो है जो प्राण संकट आने पर संकट दूर करने के लिए केवल भगवान को पुकारते हैं, कष्ट का निवारण केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी से नहीं, वे आर्थ भक्त कहलाते हैं। आर्थ भक्तों में द्रौपदी और गजेंद्र का दृष्टांत ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इन दोनों ने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था। चीरहरण के समय जब तक द्रौपदी भीष्म पितामह और पांचों पांडवों पर भरोसा करती रही, तब तक वह रोती बिलखती और कष्ट पाती रही। परंतु जब सब सहारा छोड़कर अनन्य भाव से प्रभु को पुकारा, तब प्रभु ने उसकी लाज बचाई। ऐसे ही गजेंद्र ने जब तक दूसरे हाथियों और हथिनियों का सहारा लिया, अपने बल का सहारा लिया, तब तक वह कई वर्षों तक ग्राह से लड़ता रहा और दुख पाता रहा। सब सहारा छूटने के बाद जब उसने ओम नमो भगवते कहकर हरि को पुकारा, तब भगवान ने तुरंत आकर ग्राह का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र का उद्धार किया। आर्थ भक्तों में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का दृष्टांत सही लगता है, कारण कि जब उस पर आफत आई तब उसने भगवान श्री कृष्ण के सिवाय किसी दूसरे उपाय का सहारा नहीं लिया। उसने सीधे भगवान से निवेदन किया। उसने श्री भगवान से कहा कि
कि हे जगत पति, ये दहकता हुआ अश्वत्थामा का बाण मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए दौड़ा आ रहा है, मेरी रक्षा करें। तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर भगवान ने गर्भ की रक्षा की और परीक्षित को बचाया। अर्थार्थी भक्त वो है जिनको अपनी सुख सुविधा के लिए धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, परंतु उसको वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वो है जिसमें भगवान को जानने और भगवत भक्ति की जोरदार इच्छा हो जाती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता में उच्च कोटि के भगवत प्रेमी को ज्ञानी भक्त माना गया है। उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। गोपियों ने अपने सुख का त्याग कर प्रियतम भगवान के सुख को ही अपना सुख माना था। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, इसलिए वो भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। कान्हा कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ और ना ही दिखावटी दान दीक्षा से। अगर मेरे मन को जीतना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अवास्तविक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो। वो वास्तविक नहीं है, वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है, वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है ना कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वो कर्मकर्ता किस प्रकार है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो, जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहाँ श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपने देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।